नमस्कार दोस्तों, पुखराज या पुष्पराग मनी लेके बात करेंगे। दोस्तों येलो सफ़ायर जो नेचुरल थोड़ा महंगा होता है और ट्रीटमेंट वाला सस्ता होता है। दोस्तों आज ट्रीटमेंट या डुप्लीकेट पुखराज के साथ नेचुरल पुखराज के फ़र्क दिखाऊंगा। दोस्तों अच्छा से पुखराज को देख लीजिए, एकदम परफेक्ट पीस है। इसका लश्करपनी क्लियरिटी, इसका अंदर जो नेचुरल इंक्लूशन है वो भी आप लोगों को देखने में आएगा। एकदम फैंटास्टिक पीस है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये वाला पुखराज सिंथेटिक है, डुप्लीकेट लैब में ट्रीटेड वाला पुखराज है। लैब में तैयार होता है ऐसा पुखराज, तैयार होकर सेल किया जाता है सस्ता में। देख लीजिए ये जो चारों पीस अभी देखा रहा हूँ, ये चारों पीस सिंथेटिक पीस है। अंदर का लश्कर, अंदर का रेशा इंक्लूशन भी आप लोगों को शायद देखने में आएगा, मगर डुप्लीकेट पीस है। दोस्तों एकदम हूबहू आपको नेचुरल सिलोनी पुखराज जैसे ही लगता है। बहुत कम लोगों को पता चलता है कि वो लोग एक डुप्लीकेट पीस पहन रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों नेचुरल वाला पुखराज जो श्रीलंकन में इसका नेचुरल येलो सफ़ायर है वो आप लोगों को देखा रहा हूँ। देख लीजिए अंदर रेशा इंक्लूशन और दाग धब्बा रहेगा। पहले बात तो अच्छा क्वालिटी लेंगे तो कम रहेगा। देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट पीस है। अभी सिंथेटिक और नेचुरल का फ़र्क क्या होता है? पहले तो कलर होगा, क्लियरिटी होगा, इंक्लूशन होगा, ये सब बात देखना पड़ेगा। देख लीजिए एक सिंथेटिक है और एक नेचुरल वाला है, फ़र्क देख लीजिए। इसका कलर का फ़र्क है, इसका अंदर का जो इंक्लूशन है उसका फ़र्क है। दोस्तों बात ऐसे है कि ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, एक स्टोन का अंदर का जो दाग धब्बा वो चला जाता है। लेजर ट्रीटमेंट होता है और भी बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारा कैटेगरी होता है ट्रीटमेंट का। देखिए डुप्लीकेट स्टोन जिसका अंदर भी इंक्लूशन देखने में आ रहा है, नेचुरल का भी अंदर इंक्लूशन देखने में आ रहा है, मगर इंक्लूशन का फ़र्क है। दोस्तों सामने से देखेंगे तो भी और भी पता चलेगा आपको। नेचुरल स्टोन महंगा होता है, उतना खूबसूरत नहीं होता है जो जितना सिंथेटिक या लैब ट्रीटेड स्टोन होता है। लैब ट्रीटेड जो स्टोन होता है, लैब में तैयार किया हुआ जो स्टोन होता है, वो कभी कभी तो लैब रिपोर्ट के साथ भी मिलता है आपको, जो फेक लैब रिपोर्ट होता है। और नेचुरल वाला देखिए, नेचुरल वाला स्टोन के अंदर दाग धब्बा रह सकता है, काला दाग भी रह सकता है, क्योंकि ये जो पुखराज जिधर मिलता है उसका बाजू में ही मिलता है नीलम, इसका अंदर आयरन रहता है। आयरन कभी कभी क्या होता है पुखराज के अंदर आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आयरन मतलब ब्लैक डॉट देखने में आता है। देखिए अभी जो देख रहे हैं इसको बैंकॉक ओल्ड माइस का बैंकॉक का नेचुरल सफ़ायर है। दोनों का फ़र्क देखिए, सिलोनी और बैंकॉक का फ़र्क देखिए। सिलोनी जो होता है लाइटिश कलर आता है, थोड़ा हल्का कलर होता है, और जो बैंकॉक होता है थोड़ा डीपिश कलर होता है। जो बैंकॉक पुखराज होता है इसको कभी कभी तो पित पुखराज भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कलर जो होता है डीपिश कलर होता है, पित कलर होता है। दोस्तों बैंकॉक का पुखराज भी महंगा होता है। ओल्ड माइस का बैंकॉक का पुखराज अच्छा क्वालिटी, थोड़ा महंगा होता है। आप कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको सिलोनी जैसा ही महंगा होता है, कम मिलता है अभी, क्योंकि ओल्ड माइस का जो बैंकॉक पुखराज है बहुत कम मिलता है अभी। अभी ये पीस देख लीजिए, सिलोनी माइस का नेचुरल पीस है, सस्ता दाम है, नेचुरल पीस है, होलसेल रेट में पाल जेम्स में आपको मिलेगा, नेचुरल लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ, जीएसटी बिल के साथ मिलेगा।